तो ये अगली सारी एक बहुत अच्छा दोस्त है मेरी लाइफ में, दोस्त भी और भाई की तरह भी है, जो मेरे साथ ही आया हुआ है। तो मैंने उसके लिए लिखी थी सबसे पहले कि मेरा सही सा जिगर यार, जिसके आगे सारे हीरे मोती बेकार, अराज दोस्ती का जिक्र करूं तो शब्द कम पड़ जाएंगे, और लाड़ले तू तो मेरे दिल में बसता है, तेरी मेरी दोस्ती आगे तो बाबू सोना ही फिक्के पड़ जाएंगे, तू मेरे तो उम्र में ही बड़ा है और तेरी इज्जत तो मैं दिल तक करूँ हूँ, रे मेरे जिगरी यार, बस तू नुए हमेशा मेरे साथ रही है, क्योंकि तेरे खातर तो मैं जीता जी मरूँ हूँ, ना चाहिए मन्ने कई यार और ना चाहिए मन्ने बाबू सोना वाला प्यार, बस तेरी मेरी दोस्ती नुए सलामत रहा है, मैंने इससे में दिखे सर दोस्ती का असली संसार। और जब आप इकट्ठे बैठ के बोल बतलावे ना, ध्यान तो सुनिए एक बार, कि जब आप इकट्ठे बैठ के बोल बतलावे ना तो इस पूरी दुनिया फिल्टर पाटा है, और इस दुनिया ने कौन समझाओगा कि चाहे था मेडी तो ले चोटी तक का जोर लगा लियो, हम तो भाइया ही तैयार रहेंगे और हम तो जिंदगी में नुए कच्चे काटे हैं। राम राम लाडले, अपना ध्यान रखिए, मैं भी चालू हूँ क्योंकि अगली शायरी में भी एक सच्चा रिश्ता दिखाना है, बस ऊपर आला तेरे जैसा जिगरी सब ने देवे, क्योंकि तेरी मेरी दोस्ती का तो इस दुनिया में इतिहास बनाना है, इतिहास बनाना। तो ये अगली शायरी है मेरे फेवरेट हीरो के लिए, जो कहते हैं ना कि लाइफ में किसी का हीरो होता है, तो मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट हीरो वो है। तो ध्यान से सुनना कि उसके आगे तो सारे एक्टर जीरो हैं, क्योंकि मेरे खातर तो मेरा बापू मेरा हीरो है, आज दिल तो आवाज आई है कि चार लाइन में पापा के बारे में लिखूंगा, और इस दुनिया की सारी बातें रख दो मैं बाढ़ में, क्योंकि पापा सही गलत तो मैं बस आप तो सीखूंगा, अपने कंधे पे बिठा के, ध्यान से सुनियो कि अपने कंधे पे बिठा कर ने जिसने सारी दुनिया दिखाई है, और लड़ लो बापू का प्यार है जिसने थारी जिंदगी इतनी अच्छी बनाई है, तमनू मत सोचियो कि उस बापू ने थारे बारे में कुछ बेरा कोने से, वो पूरा दिन मेहनत करके ने थारे शौक पूरे करे से, और थमने जिंदगी में आगे बढ़न थी वो अपनी जिंदगी गिरवी धरते हैं, अगर जिंदगी में कुछ बड्डे बन जाओ ना तो उस बापू की इज्जत जरूर रख दियो, ऐसा टाइम ले दियो कि थारे बापू ने थारे नाम तो जाने ना, तो कदे उस बापू के पीछे आते हैं वह याद के ऐसे भी मत उड़ाइयो, मारा बापू मारे खातर की साहे भी हो, ध्यान से सुनियो एक बार कि मारा बापू मारे खातर की साहे भी हो, हमने दुनिया की बात का तो मतलब कौन है, क्योंकि मारे लाडले बापू आप प्यारे इतना है, मारे बापू जी सा हीरो तो पूरी दुनिया में है कौन है, बस आज अपनी कलम ने मारे रोकू हूँ, क्योंकि अगली शायरी में बहुत कुछ लिखना है, अरे यो वादा है तेरे लाडलिया बापू के, यो वादा तेरे लाडलिया बापू ओडी कार के फ्रंट पे मेरा बापू मेरा हीरो लिखवाना है, मेरा बापू मेरा हीरो लिखवाना है। तो एक लास्ट शायरी अपने हरियाणा के ऊपर ही हो जाए, हमेशा दिल तक तगड़ी फीलिंग आवे के, हमेशा दिल तक तगड़ी फीलिंग आवे, क्योंकि मैं खुद हरियाणवी को हूँ, हाँ घमंड है मैंने अपनी बोली पे, क्योंकि इस बोली तक मैं दुनिया में मुंह बंद करूँ हूँ, मारी बोली में जो मिठास है ना पूरी दुनिया में कितने ना पावे, अरे घूम लियो अमरीका लंदने के, घूम लियो अमरीका लंदने, फिर भी हमेशा सामने हरियाणवी हरियाणवी आदमी आगे पावेगा, बॉलीवुड तक लेकर हॉलीवुड तक हरियाणा वाले का सिक्का चल रहा है, कि बॉलीवुड तक लेकर हॉलीवुड तक हरियाणा वाले का सिक्का चल रहा है, और जब हो ना खेला मेंट्री के, जब हो ना खेला मेंट्री हरियाणा वाले ने देख कर दूसरे देश के खिलाड़ी भी आल है, खिलाड़ी भी आल। तो एक शायरी थी, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, स्कूल टाइम का किस्सा था कुछ। तो हम अभी 14 साल बाद मिले थे, फोर्थ क्लास में अलग हुए थे, तो पढ़ता भी वो कहीं और था, मैं कहीं और पढ़ता, तो उसके लिए लिखी थी मैंने कि रोल नंबर था 1 और 2 और नाम भी था ये था सरूम, अरे लाडले तेरे खातर तो मैं जितता जी उमरूँ, वो एक नाम और पहले बेंच पे कब्जा था, क्योंकि उस टाइम तो पूरे स्कूल में अपनी यारिया जज्बा था, जब स्कूल में आते ना तो टाइम भी एक होया करता, और जिस दिन तू ना आता लाडले तो ये दिल रोया करता, वो साथ में पढ़ना वो साथ में खेलना और वो साथ में खाना आज बहुत याद आवे हैं, तेरी मेरी दोस्ती तो बहुत कमाल की है, न तो इस मतलब की दुनिया में भाई भाई नहीं भूल जावे हैं,
जब चौथी क्लास में पढ़ कर न्यारे हुए जब चौथी क्लास में पढ़ कर न्यारे हुए तो क्लास में मन को नहीं लग गया था और 6 साल तक वो बेंच खाली देख कर ने साची बताऊँ लाडले मेरा दिल को नहीं लग गया था, सब कुछ बदल गया था, पर तेरा नाम तो हमेशा दिल में था क्योंकि तू दोस्त को नहीं, तू तो मेरे भाई जी सा था। जब सोशल मीडिया तो जुड़े तो सबसे पहला नाम भी तेरा सर्च होया था और जब तेरा अकाउंट ना मिला लाडले तो उस दिन फिर मेरा उम्मीद का बांध सा टूटा था। और जब 11 अक्टूबर 2018 तेरा पहला मैसेज आया दिल तो बहुत खुश हुआ था भाई, ऐसा लग गया था कि मेरा जिगरी मिल गया मैंने, और उस दिन तो यो अभिषेक भी खुशियाँ हमारे रो पड़ा था भाई। और जब 11 साल बाद तेरी आवाज़ सुनी लाडले वो पल तो आज भी दिल में कैप्चर है, अरे तू तो मेरा जिगरी है और मेरे फ़ोन के वाल पेपर पर तो आज भी तेरी और मेरी पिक्चर है। बस लास्ट में तेरे बारे में यह कहूँगा कि सच्ची दोस्ती का के सच्ची दोस्ती का पहला नाम है तू और दिल ते निभाने वाले रिश्ते का भी पहला यार है तू। बेबी सोना गया बाढ़ में, अरे बेबी सोना गया बाढ़ में, ओ लाडले भाई मेरी जान है तू, मेरी जान। धन्यवाद।